बाजी की तैयारी हो चुकी है जाने की। इनके बैग पैक सब सेट हो गए और अभी एक आध घंटे से ये निकलने वाले हैं। इनके साथ में जा रही है मम्मी। तो गाइज यहाँ पर लवली बाजी के पैरों में मेहंदी लग चुकी है। अब सिर्फ पैरों में ही लगवाई उन्होंने, हाथों में नहीं लगवा रही क्योंकि उनका टाइम हो रहा है जाने का, तो इसलिए सिर्फ नाखूनों पे ऐसे ही लगा ली उन्होंने ये गुड़ वाली मेहंदी और पैरों में ये लगा दिए मैंने। तो बस अभी थोड़ी टाइम में ये निकलने वाली हैं, तब तक इनकी मेहंदी भी सूख जाएगी। एक आध घंटे से निकलेंगी तब तक मेहंदी सूख जाएगी ना। चलो अपने बाजी अब तुम कब आओगी? अब हम आएंगे हारून की बर्थडे पे। हारून की बर्थडे में आएंगी अब ये, क्योंकि एक महीना ये रुक गई आराम से, सिर्फ दो दिन तीन दिन के लिए गई थी रूम में, तो एक महीना इनको हो चुका है यहाँ पर रुके हुए। तो अब ये कह रही है कि अब तो भाई जाना है हमें, क्योंकि फैजान के भी स्कूल खुलने वाले हैं 24-25 तारीख से खुलेंगे ना फैजान के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो इसलिए भी जाना है इनको। चलो नहीं कर रहा तो मत जाइए, ईद तक रुक जाए, ईद तक रुक जाओ यहीं पे ठीक है, मम्मी को जाने दे। क्या कह रहा है फैजान को जाने का मन नहीं कर रहा है। शिवा बाय, देखिए वहां तो जल्दी आ जाओ, तुम क्या रो रही हो, आ तो जाओगी फिर से हैं? मत रो, शांत हो जा, मत रो, हाँ तो जाएगी। वे नहीं रो रही है, तो गैस लबड़ी बाजी तो चली गई और हम दोनों बहनें मिलकर इतना ज़्यादा रोए हैं ना, क्योंकि वो जा रही हैं, फिर उसके बाद मैं भी चले जाऊँगी अपने नए वाले घर पे। तो बस ये वीडियो मैंने यहीं तक बनाया था, लबड़ी बाजी चली गई तो उसके बाद मेरा वीडियो शूट करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि आज सारा दिन मेरा ऐसा ही गया था। फिर उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट डे ईद, तो बस अभी ईद का वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये लोग नमाज पढ़ के आ गए और हमारे बच्चे सो रहे हैं, हुरैन सो रही है अभी तक और हारून अभी जैसे सोकर उठा है। यहाँ पे ये नमाज पढ़ के आ गए हैं। अगू पहन के ईद मिला जा रहा है। ईद ही दे दो भैया, ईद ही दे दो मुन्नी को, छोटी मुन्नी को, सबसे छोटी सेकंड ईद है उसकी, बकरा ईद सेकंड है, बकरा ईद पे तो हुआ था ये। हैप्पी हैप्पी गेट कब लग गए? मुझे किधर साइड गेट लगे थे? अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर गोश्त बनाने की तैयारी चलने लग गई है, ये गोश्त आ गया है, यहाँ पर प्याज लहसुन छील रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम।
सब बढ़िया है। और कौन सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ए बाबू जीवन के आया, बाबू जीवन के बाय पर चला। तो गाइस खाना हो चुका है हमारा और यहाँ पर देखो बारिश आ गई है। फिर जल्दी जल्दी से एयरिंग बैग को इसको निकाल रहे हैं, जंपिंग को, जंपिंग को खोल के रख रहे हैं। मौसम एकदम से चेंज हुआ है, हवा चल रही है, बारिश आई है। तो कुत्तों ने देखो ढेर लगा लिया है यहाँ पर, सारे कुत्ते यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब ये सब गाड़ी के नीचे छुपेंगे क्योंकि बारिश में भीग रहे हैं, यहाँ तक हवा का पानी आ रहा है। तो ये सारे अब गाड़ी के नीचे छुपने के लिए जा रहे हैं एक साथ होकर। नो 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 नो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल मोबाइल चाहिए। ये क्या लगा है फेस पे? No. No, 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 no. No, 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 no. तो भाई इसको मोबाइल चाहिए, इसको मोबाइल लेना है। No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Chick, 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 chick. बता कितने दांत आ रहे हैं तुम्हारे? दो दो चार, सिर्फ चार दांत हैं, सिर्फ चार दांत। चिक 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 चिक। आज गंदे हारन का बर्थडे वालो, बर्थडे 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 बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हारन, हैप्पी बर्थडे टू यू। टिक 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 टिक। केक कटिंग करोगे? केक कटिंग। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि हारून का बर्थडे आ रहा है इसी मंच, तो बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी लिस्ट बनाई जा रही है मेहमानों की कि किस किस को बुलाना है। तो पापा बैठे हुए हैं, बॉबी भाई हैं, मम्मी हैं, सभी लोग हैं, तो यही लिस्ट बनवा रहे हैं लोगों की। और बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो इतनी जल्दी, मतलब हारून ना एक साल का कम्प्लीट हो जाएगा और पता ही नहीं चलता ना ये वक्त इतनी जल्दी से निकल जाता है। और बस लवली बाजी तो चले गई लेकिन बहुत ज़्यादा सोना कर गई हमारे घर को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा बोरिंग डे निकला है हमारा। वो ज़्यादा हो जाएगा फिर नहीं चलेगा। तो गए चांद रात पर तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, आज है ईद तो मैंने आज मेहंदी लगा ली है। ये बहुत टाइम के बाद मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई, वरना मैं तो भूल गई थी। आज मैंने जो है ना मोबाइल से देख के भी मतलब पिक्चर निकाल गई थी मेहंदी का, फिर मैंने ये हाथों पर लगाई है। तो अच्छी लग रही है ना, बताना पड़ेगा कि कैसी लग रही है। बहुत टाइम के बाद लगाई अपने हाथों से इस तरह से। और गाइस आप लोगों की ईद कैसी गुज रही है? हमारी तो ईद ऐसी नॉर्मल सी ही रही क्योंकि इस बार हम लोगों ने जो है ना कुर्बानी नहीं करी थी। तो हमने जो है हिस्सा लिया है, तो हिस्से की कुर्बानी हमारी होगी कल, ठीक है। और इस बार जो है पापा ने भी कुर्बानी नहीं करी है बकरे की, तो उन्होंने भी हिस्सा लिया है, तो हम दोनों के हिस्से हैं इस बार। और बस आज का दिन बस ऐसे ही गुजरा है, सारा आलसी वाला दिन रहा है हमारा।
बस खाना बनाया है, खाया है, और फिर उसके बाद यार सारा दिन ही लाइट नहीं आई थी, तो लाइट की वजह से परेशान रहे। रात के 8 बजे लाइट आई है, तो सारा दिन हमारा मतलब ऐसी गर्मी में गुजरा है, ना ही ब्लॉगिंग करने का मन हो रहा था ना ही कुछ भी। बीच में बारिश भी हो गई थी, तो उस टाइम पे जो है ना लाइट भी नहीं थी, फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसा ही रहा है, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज अच्छे से रेडी भी लिए हुए हैं, और बस गर्मी लगती रही है सारा। मतलब जब भी लाइट वाइट नहीं होती है ना, तो फिर आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, और ऊपर से गर्मी और बारिश हो रही है, तो फिर तो मेरा मन ही नहीं हुआ मोबाइल उठाने का भी, कि मैं आप लोगों से बात भी करूँ। तो सारा दिन मेरा ऐसे आलसी वाला गुजरा है, और बाकी सारे जो है अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हारून का बर्थडे आ रहा है, तो उसी के ही मतलब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सभी को दावत वगैरह देना है ना, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और बस अभी भी रात के 1 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और सब लोग अंदर ही बैठ करके डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, और मैं यहाँ पर बैठ करके ब्लॉग देख रही थी, और साथ ही में मेहंदी मैंने अपने हाथों के ऊपर लगा ली है। अब देखते हैं सर कलर कैसा आता है, सर कलर का मुझे नहीं पता है कैसा क्या कलर आता है, अगर कलर नहीं आया तो फिर मेहनत गई मेरी बर्बाद। अब जो भी होगा वो सब सुबह देखा जाएगा कि कैसा क्या कलर आता है ना। और लपटी बाजी चली गई तो बहुत बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है घर के अंदर, बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो आज उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, तो साथ ही में जो है ना हिबा का भी बर्थडे केक कट कर रहे थे आज, क्योंकि उसके पापा आए हुए थे कल रात में, तो आज ईद है, तो आज ही उन्होंने जो है पूल वगैरह गए हुए थे वो अपनी फैमिली के साथ में, और फिर उन्होंने जो है ना बर्थडे केक कट किया, तो उन्होंने वीडियो कॉल पर हम लोगों को ले लिया था, तो बस बात हो गई हमारी। तो हिबा को बहुत ज़्यादा याद कर रही है और रहन, क्योंकि जब वो चले गए हैं तो दोनों साथ में ही खेलती थी, लड़ती भी थी, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। मतलब उठते बैठते मतलब जब भी मतलब सो भी रही है ना वो, तो उसको हिबा की ही याद आ रही है, कह रही है हमेशा कि हिबा के पास चलो, हिबा के पास चलो, तो जब भी उसको याद आती है तो मैं हिबा से वीडियो कॉल करा देती हूँ। तो बात तो बच्चे करते नहीं है वीडियो कॉल वगैरह पे, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत देख लेती है वो। और अभी भी जब हिबा का बर्थडे केक कट हो रहा था, तो उस टाइम पर भी मैंने हिबा को दिखाया, तो केक देख कर बोलने लगी कि वाह बर्थडे केक, तो इस तरह से। और बच्चे मिस कर रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी बहन की, तो बस इसी चीज़ यही चीज़ है।